स्मॉल दर्शन तक्कर। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता रहेगा कि मैंने मेरे बाइक का रियर टायर जो है वो चेंज किया है, क्योंकि उसकी हालत ख़राब हो गई थी, ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी एक्चुअली। तो बस हम आज के शुरू में इसी के बारे में बात करने वाले कि मैंने कौन सा टायर डाला है, उसकी प्राइस कितनी है और कौन सा टायर डाला है, यह तो आपको पता चल गया रहेगा। मैंने टाइटल में भी डाला है, तो मैंने रियर जो टायर डाला है वो है मेट्रो क्वांटिगो। प्राइसिंग इसका डिस्कस करेंगे, इसका रिव्यू हम देखेंगे और ओवरऑल टायर के ऊपर थोड़ा सा मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने के बाद आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो डेली बेसिस पर रहते। तो और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टा की यूजर आईडी स्क्रीन के ऊपर शो रही है, फॉलो लिंक मैंने डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, तो वहाँ से आप जाकर फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास जो बाइक है वो है पल्सर RS 200, और इसको मैं पिछले 3.5 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ। और इसका जो किलोमीटर है रनिंग वो है 29,200 किलोमीटर्स, और इतना है मतलब 29,000 किलोमीटर्स में, यानी कि 29,200 किलोमीटर्स में सिर्फ तीन से चार पंचर आए हैं। और तीन से चार एक्चुअली चार पंक्चर भी नहीं, दो या तीन ही पंक्चर है। फ्रंट टायर में आई थिंक दो पंक्चर है और रियर में शायद एक या दो है, तो इतने इसमें पंक्चर बिल्कुल भी कम है। और इसका रीज़न है कि मेरी ड्राइविंग अच्छी है, थोड़ी से ड्राइविंग अच्छी है, और साथ साथ मतलब मैंने जो है टाइम टू टाइम, मेन चीज़ है कि हवा जो है मतलब एयर जो है वो टाइम टू टाइम मैंने भरी है। और बाकी जो मतलब एकदम ख़राब रास्ते हैं, जो जहाँ पे ज़्यादा पोर्ट होल्स है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्पीड से नहीं लेना, मीडियम वगैरह, वो अगर आप ड्राइविंग अगर मेंटेन करते हो तो ये रहता है, मतलब टायर की जो क्वालिटी थोड़ी बहुत अच्छी मेंटेन होती है। पंचर नहीं था, ये इसका रीज़न था, लेकिन ऐसा नहीं है कि टायर जो है मेरा काफ़ी अच्छा मेंटेन हुआ था, ऐसा नहीं था। टायर की तो पूरी वाट लग चुकी थी, आपको मैं टायर का फुटेज भी दिखाऊंगा आगे। तो अभी 29,000 किलोमीटर थोड़ा सा मैं लेट हो चुका था टायर चेंज करने के लिए, क्योंकि जो हिसाब से मेरी टायर की हालत थी मुझे कुछ टाइम पहले ही चेंज कर लेना था, यानी कि जब मेरे बाइक के 25,000 किलोमीटर के आसपास जब था तब मुझे टायर चेंज करना चाहिए था, बट फॉर सम रीजन्स मैं चेंज नहीं कर पाया, और आजकल आजकल करते करते इतना लेट हो गया। तो फाइनली मैंने अभी रिसेंटली चेंज किया है, एक या दो दिन ही हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे हाल मतलब टायर की हालत जो पुराना वाला था उसका आप देख लीजिए। तो ये थी मेरे पुराने टायर की हालत, काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, काफ़ी वाट लग चुकी थी। और मैं जानता हूँ कि मतलब इतना जो ख़राब टायर है इसके ऊपर ड्राइविंग बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन मैंने जैसे कि पहले बताया कि समो मतलब कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मैं चेंज वगैरह नहीं कर पा रहा था, थोड़ा सा बिजी था, तो इसके लिए मेरे से तो इतना लेट हो चुका था। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इतना मतलब एक्सट्रीम लेवल पर टायर को मत लेके आइए, क्योंकि आपने जो फुटेज देखा है मेरे टायर का, जितना दिख रहा है फुटेज में उससे ज़्यादा वर्स्ट था बिलीव में। और यह मुझे चलाने में फील हो रहा था कि मतलब टायर की हालत एकदम ही ख़राब हो चुकी है, लेकिन चेंज करने के समय थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन अभी फाइनली जब मैंने नया टायर डाला तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस थे, जैसे कि एक है MRF का पायलट, जो आप सभी ने नाम सुना रहेगा टायर का। और हाँ, सबसे पहले बात करते हैं साइज़ की, वो भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। तो मेरे बाइक का रियर टायर का साइज़ है 130x70-17, समझे नहीं समझे, देख लेना समझ जाएंगे, ठीक है। तो 130 का टायर जो है लगता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन मुझे डालना था 140 का एक साइज अप, क्योंकि दिखता थोड़ा सा वाइड है, ग्रिप ज़्यादा आती है और कॉर्नरिंग वगैरह के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, और स्पेशली जो लुक है थोड़ा सा एनहेंस हो जाता है, और चलाने में भी आपको जो है ग्रिप ज़्यादा बेहतर मिलती है। तो मेरे पास MRF का ऑप्शन था, C8 जूम का टायर का ऑप्शन एक था, उसके बाद में मेरे पास था मेट्रिको का, सॉरी मेट्री का क्वांटिगो जो मैंने रिसेंटली डाला है। लेकिन मुझे जो है सबसे पहले ग्रिप तो मतलब मैंने चला के जब देखा तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है मुझे लुक थोड़ा इसका अच्छा लगा था, इसके जो पैटर्न था वो ज़्यादा अच्छा लगा था। और फिर मैंने सुना भी था कि मतलब कुछ रिव्यू पे देखे थे कि इसकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी है, वाइड है, उसकी वजह से मैंने चूज़ किया मेट्री क्वांटिगो। और जब मैंने इसको लगाया, और जैसे कि अभी रेनी सीजन है तो मैंने इसको वेट रोड्स पे और ड्राई रोड्स पे दोनों टेस्ट किया, तो इसकी जो सबसे पहले ग्रिप है वेट रोड्स पे एवरेज है, मतलब अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं जितना आपको ड्राई रोड पे मिलेगा। ड्राई रोड पे इसकी ग्रिप काफ़ी बेहतरीन है, और स्पेशली कॉर्नरिंग वगैरह पे जो है काफ़ी अच्छा ये विड्थ देती है, तो कॉर्नरिंग में और सिटी टू सिटी राइड में इसके अंदर ड्राई रोड्स पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेट रोड्स पे थोड़ा सा जो है आपको देखने को मिलता है, मतलब कि ग्रिप थोड़ा सा लूज हो जाता है, और वो एक्सपेक्टेड भी है, वेट रोड रहते हैं तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस हम नहीं कर सकते, तो ये तो एक चीज़ है। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ प्राइसिंग के बारे में, तो मैंने इसका जो मतलब ये जो मैंने टायर खरीदा है ये
ऑनलाइन मार्केट पे से नहीं खरीदा है, मैंने खरीदा ऑफलाइन मार्केट में से। पूना के अंदर एक शॉप है पुंगलिया टायर्स करके, ये है जेम रोड के ऊपर, और वहाँ से मैंने खरीदा है। तो अगर आपको चाहिए तो इसका एड्रेस वगैरह जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर चाहिए तो, या फिर आप जस्ट डायल पे सर्च करके, यानी कि ऑनलाइन सर्च करके भी निकाल सकते हो नंबर, अगर आपको मिल जाएगा जेम रोड पे शॉप है तो। वहाँ पे जो टायर्स की क्वालिटी है वो भी अच्छी है, वैरायटी मिल जाती है, प्राइसेस भी अच्छे लगे मुझे, तो मैंने वो शॉप चूज़ किया। ये स्पॉन्सर्ड नहीं था, ये मैं अपनी इच्छा से बता रहा हूँ। ओके, चाहे तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हो या फिर और कहीं से चेंज कर सकते हो, आपकी इच्छा। तो अभी इसका जो प्राइस था ये था 3,000 रुपीज़, और एक्चुअली 3,000 रुपीज़ नहीं था, प्राइस था 2,950, जो मतलब मुझे पड़ा है 2,950 में, और इसकी प्राइस मुझे बताई गई थी 3,100, लेकिन सॉरी 3,200, फिर मैंने 250 रुपीज़ का डिस्काउंट करके 2,950 में इसको लगवाया। ओके, ये था फाइनल प्राइस जिसके लिए मैंने मतलब 2,950 फाइनल प्राइस था, इसमें मैंने खरीदा। ये बात हो गई प्राइसिंग की। अभी दोस्तों बात करता हूँ कि मैंने मिशलिन का पायलट जो टायर है ये क्यों नहीं लगवाया। तो दोस्तों मैंने उसके बाद मतलब जो ग्रिप का जो पैटर्न था वो भी देखा था, मुझे वो भी पसंद आया था, वो भी टायर काफ़ी अच्छा है, लेकिन इन दोनों में कन्फ्यूज़ था। और फिर टू बी ऑनेस्ट मुझे वो टायर इजिली मिल नहीं रहा था, यानी कि मिशलिन पायलट जो टायर है मुझे इजिली मिल नहीं रहा था मेरी सिटी में, मतलब सिटी में मतलब वो एरिया के आसपास, और फिर इनके पास भी नहीं था पुंगले टायर्स के पास में। और फिर मुझे इसकी ग्रिप भी अच्छी लगी, मतलब इसका भी जो पैटर्न है ज़्यादा अच्छा लगा, थोड़ा सा न्यू लगा, और मतलब दिखने में ये एक स्पोर्टी बाइक का लुक देता है। आप जैसे कि देख ही सकते हो टायर की डिज़ाइन वगैरह। इसके लिए फिर मैंने मेट्रो कॉन्टे को चूज़ किया। ये था मेरे टायर की पूरी स्टोरी, और आगे मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि टायर कब चेंज करना चाहिए इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, कि कौन से साइंस है कि आप देख के समझ सकते हो कि आपका जो टायर है ये खराब हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट मिलते हैं तो मैं ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज ये वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो कोई भी रीजन के लिए तो एक लाइक ठोक देना है, यहाँ तक आई हो तो लाइक का बटन दबाने में क्या प्रॉब्लम है, और अगर दिल अच्छा हो तो कमेंट भी कर देना, थोड़ा मेरा भी दिन अच्छा चल जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी टायर के बारे में, मेट्रो कॉन्टिगो 140/70/17 का। तो बस दोस्तों अभी आप यहाँ तक आई हो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टा की यूजर आईडी जो है स्क्रीन के ऊपर शो रही है, फॉलो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है। चलो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं भी लूँगा आपको मेरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।